कुकिंग रायचूरा तो यू ऑल आर वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गए तो बहुत ही बढ़िया सी ऐसी बहुत ही प्यारी सी ऐसी रेसिपी आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ तो आई एम डेम श्योर के आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है आज की रेसिपी तो आज की रेसिपी मैंगो बाइट्स आज हम बनाने जा रहे हैं गाइस जो बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन जाती है बहुत ही क्विक रेसिपी है और बच्चे से लेकर बड़े तक सबको बहुत ही पसंद आने वाली है आम की रेसिपी यानी कि मैंगो की रेसिपी गाइस तो आम की सीजन अभी चल रही है और बहुत ही कम दिन बचे हैं अभी आम के सीज़न के तो सोचा कि चलो एक बहुत ही बढ़िया सी ऐसी रेसिपी बनाई जाए गाइज तो कुल कुल ठंडी ठंडी ऐसी आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो बाइट्स गाइस दोस्तों सबसे पहले तो, सब तो मैंगो बाइट्स बनाने के लिए हमें पहला काम जो करना है उसको हमें खजूर लेना है और उसको भिगोना है दूध में करीबन आधे घंटे के लिए गाइस तो यहाँ पर हम 15 से 20 नंग खजूर का लेंगे और उसके सब सीड्स निकाल देंगे और उसको रखेंगे भिगोने के लिए करीबन आधे घंटे के लिए गाइस तो यहाँ पर जैसे फलों का राजा आम है ना वैसे ही खजूर भी इतना हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स है गाइस तो आज की रेसिपी जो है ना टेस्ट के साथ हेल्थ भी मिलने वाली है गाइस बहुत ही सी ऐसी रेसिपी गाइस तो यहाँ पर जब तक अपना खजूर बिग कर रेडी होता है ना तब तक हम क्या करते हैं यहाँ पर आम है ना उसको कट कर लेते हैं गाइस हाँ तो दोस्तों आज हम जो यहाँ पर आम यूज कर रहे हैं ना वो एल्फेंस तो मैंगो यूज कर रहे हैं जो टेस्ट में बहुत ही मीठी होती है और कलर भी उसका एकदम ऑरेंज जैसा होता है तो आपके यहाँ जो भी आम अवेलेबल हो वो यूज करना गाइस हाँ तो दोस्तों आज हम जो यहाँ पर मैंगो बाइट्स बना रहे हैं ना बहुत ही यूनिक रेसिपी है और हर किसी को पसंद आने वाली है गाइस तो यहाँ पर हमने जो खजूर भिगोने के लिए रखी थी ना उसको देख लेते हैं गाइस तो बहुत ही बढ़िया सी ऐसी अपनी खजूर भिग कर रेडी हो गई है गाइस और सॉफ्ट भी बढ़िया सी हो गई है गाइस तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर गाइस हाँ तो इसके लिए सबसे पहले तो एक मिक्सी जार ले लेंगे उसमें ऐड कर देंगे अपने इस कट किए हुए सब आम और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे पंद्रह से बीस नंग काजू यानी कि केशव और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे दो टेबलस्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा अपनी इस रेसिपी को और इसके साथ ही मीठास के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे खजूर वाला दूध जो हमने खजूर भिगो के रखी थी ना गाइस उसी से ही मीठास आने वाली है अपनी इस रेसिपी में और इसके साथ ही हम यहाँ पर एक कप जितना बिल्कुल गाढ़ा मलाईदार ऐसा दूध ऐड करेंगे अगर यहाँ पर आप चाहें तो मावा भी यूज़ कर सकते हैं या घर की मलाई भी ऐड कर सकती तो हम सबको चन करेंगे गैस सबको ग्राइंड करेंगे अच्छे से गैस हाँ तो दोस्तों आज के अपने मैंगो बाइट्स बिल्कुल रॉयल एंड रिच होने वाले हैं क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने आज यहाँ पर यूज़ किए हैं ना बहुत ही हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है गाइस तो हम सेट कर लेते हैं अपने मैंगो बाइट्स को तो इसके लिए जो हम यहाँ पर आइस जमाते हैं ना उसी ट्रे में हम सेट करेंगे तो सबसे पहले से थोड़े ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ना वो अपने इस ट्रे में सेट कर देंगे गाइस हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम आइस ट्रे में अपने इस मैंगो बाइट्स को सेट कर रहे हैं ना तो उसी तरह आप अपना कोई भी मन चहा शेप यहाँ पर दे सकते हो लेकिन ख्याल वही बात का रखने का है कि हमें यहाँ पर अपने बाइट्स बिल्कुल छोटे छोटे बनाने के गाइस और ये जो छोटे छोटे मैंगो बाइट्स है ना गाइस जब भी हम मुंह में रखते हैं ना गाइस तो बहुत ही क्रीमी बहुत ही रॉयल रिच टेस्ट मिलता है गाइज तो एवरी बाइट्स बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं गाइज तो अपने इस मैंगो बाइट्स को और आई कैचिंग बनाते हैं तो इसके लिए हम थोड़ी त्रुटी फूटी भी ऐड कर देते हैं जो एकदम कलरफुल बनाएगा अपनी इस रेसिपी को हे तो दोस्तों बिल्कुल कलरफुल ऐसी हेल्दी सी ऐसी अपनी मैंगो बाइट्स रेडी है सेट होने के लिए तो हम उससे रखेंगे डीप फ्रिज में करीबन सात से आठ घंटे सेट होने के लिए लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल से उसको कवर कर लेंगे ताकि क्या होगा कि कोई आइस क्रिस्टल ना आए इसमें गाइस हाँ तो अब हम क्या करेंगे हमें यहाँ पर लेनी है टूट पिक और दो दो लेनी है और एवरी बाइट्स में हमें एक टूट पिक को सेट करना है ताकि क्या होगा कि जब भी अपने मैंगो बाइट्स बनकर रेडी हो जाएगा ना तो आसानी से हम पकड़ के मैंगो बाइट्स खा पाए तो यहाँ पर अगर हम कैंडी स्टिक को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी होगी साइज़ में तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगी तो हमें यहाँ पर टूट पिक ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर छोटे छोटे बाइट्स बना रहे हैं तो उसी के साथ ये सेट हो गाइस हाँ तो इसी तरह से हर एक बाइट्स में हम यहाँ पर अपनी टूथपिक को सेट करने के लिए रख देंगे और बाद में हमें क्या करना है हमें अपने इस मैंगो बाइट्स को फ्रिज में यानी कि डीप फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए मिनिमम सात से आठ घंटे हाँ तो चलो रखते हैं अपने रॉयल और रीच ऐसे मैंगो बाइट्स को सेट होने के लिए डीप फ्रिज में तो सात से आठ घंटे के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने मैंगो बाइट्स की पोजीशन क्या है गाइस तो चलो एल्यूमिनियम फॉइल को हटाते हैं गाइस तो बहुत ही बढ़िया से ऐसे रॉयल एंड रिच ऐसे अपने मैंगो बाइट्स बिल्कुल यहाँ पर रेडी है गाइस और और हाँ दोस्तों यहाँ पर मजे की बात ये है कि अपने इस मैंगो बाइट्स में गाढ़ापन लाने के लिए हमने ना ही यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है ना ही यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है हमने यहाँ पर ना ही शुगर का यूज़ किया है हमने यहाँ पर मीठा लाने के लिए और गाढ़ापन लाने के लिए खजूर का यूज़ किया है और डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ किया है तो हो गई ना बिल्कुल बढ़िया सी ऐसी रॉयल सी ऐसी रिच सी ऐसी सी यहाँ पर अपनी मैंगो बाइट्स बिल्कुल रेडी है तो अनमोल भी कर लेते अपनी इस मैंगो बाइट्स को तो गाइस बिल्कुल बढ़िया सी ऐसी रॉयल एंड रिच ऐसी ड्राई फ्रूट्स से बिल्कुल भरपूर ऐसी अपनी आसान सी ऐसी लेकिन बहुत ही प्यारी सी ऐसी हेल्दी सी रेसिपी रेडी है यहाँ पर मैंगो बाइट्स गाइस तो गाइस कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको मेरे वीडियो मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा इस और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो तो क्या होगा कि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू तो टाइम और वो भी बिल्कुल फ्री में गाइज तो मिलती हो जल्दी प्यारी प्यारी रेसिपी के साथ तब तक के लिए कीप स्माइलिंग जय हिंद वंदे मातरम टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग